आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी का, वह अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महाशिष्य अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 49वें पृष्ठ की 8वीं पंक्ति पर 17वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराए, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के ध्रुवपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कॉम्स ऑफ गॉड, ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लॉक, इट इज अवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड, अवर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, an immortality cowled in the cap of death, the shape of our unborn divinity, it guards for us our fate in depths within, where sleeps the eternal seed of transient things. गुरु के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। अचलायमान देवाधिदेव की मस्तक जटाओं से उद्भूत सचलायमान प्रभु के देदीप्यमान उन्नत ललाट की मस्तक केश राशि में स्थित सच्चिदानंद आत्मा रूपी शाश्वतता के दिव्य मधु कोशों से प्रवाहित भागवत संकल्प सिद्ध हेतु एक से बहु बनकर नाना रूपों में अस्तित्व धारण करके प्रत्येक अस्तित्व कण में विराजमान अंतरात्म पुरुष रूपी समूचा ब्रह्मांड तो जैसे नश्वर जग में शाश्वतता की दिव्यता पूर्ण मधु का चैत्य खजाना संचय ही है, और देवाधिदेव अशलायमान से उद्भूत संकल्प सिद्धि हेतु उन्हीं की असचलायमान चेतना खंड खंड बटकर ब्रह्मांड बाह्याकारित अस्तित्व पर पड़े असत अचित अज्ञान अंधकार आवरण के अंग रखे लबादे आवरण को ओढ़कर अस्तित्व के कण से लेकर मानव तक के भीतर निवसित यह शाश्वत अंश प्रज्वलती ज्वाजल्यमयी एक गरिमा है, और परम दिव्य प्रभु की शाश्वत अखंड ज्वाला की अभिव्यक्त हुई जगत और जातिक महिमा अपने मूल परम पिता से सुदूर आकर उन्हीं के ये दिव्य अंश विभूति चैत्य अथवा चैत्य पुरुष नाना रूप धरकर सतत
विकासोन्मुख बनी रहकर अभिव्यक्ति के नित नवीन सोपानों पर ऊर्ध्वारोहण करती ही चली जा रही है। उसके व्यक्त रूप में इस जगत के चलते जाने वाले जीवन क्रम में हमारे और समूचे अस्तित्व में आए ब्रह्मांड के असली सुख और अमित आह्लाद का तो नश्वरता में शाश्वतता का बस यही एक स्वर्णिम अखंड झरना है। भागवत संकल्प सिद्धि हेतु अपने मूल का अजर अमर लोक त्याग करके देश काल मृत्यु सीमाबद्धता स्वीकार कर मृत्यु के आंगन व आंचल में इन अजर अमर के शाश्वत अंश की भीतर निवसित ढके रहकर प्रच्छन्ना ये दिव्यांश इस जगत में अमरता की अपनी अभिव्यक्ति की सज्जा है जो अचित व मृत्यु आवरण रूपी बाह्य खोल से ढकी रहकर भीतर गुप्त वास करती है। भागवत लीला प्रसंग में व्यक्त रूपों में जगत में अभी तक जो उन्नत उन्नतम दिव्यता जन्म लेकर आकारित न हो सकी उसकी अभिव्यक्ति हेतु सतत प्रयासरत यह अचित अज्ञ का आवरण ओढ़े हमारे भीतर निवसित दिव्य प्रभु का शाश्वत दिव्यांश की दिव्यता ही है। भागवत संकल्प सिद्धि प्रयास में सर्वोच्च लक्ष्य स्वयं व्यक्त स्वरूपों में भगवान बनकर जीवन यापन करना यही हमारी सिद्धि के इस सोपान पर पहुंचने की समस्त प्रयास लीला में सृष्टि सृजन आरंभ में ही निश्चित निर्धारित हमारी विधि को जो तय किया जाकर अभिव्यक्ति में आया है उस विधि की लक्ष्य सिद्धि तक अंतर में विराजमान रहकर ये छिपे दिव्यांश ही रक्षा करते रहते हैं। अंतर में सृजन आरंभ से लेकर अब तक यही अंतरात्म पुरुष नश्वरता के आवरण को ओढ़कर नश्वर द्रव्यों को शाश्वतता में रूपांतरित कर लेने हेतु रूपांतरकारी शाश्वतता का बीज धारण करके चुपके से गुप्त गुहा में चुपचाप निवसित रहकर सोता रहता है। प्रत्येक अभिव्यक्ति में आए जीवन की कार्य प्रणाली ये ही निश्चित निर्धारित करके हरेक जीवन को शने शने गंतव्य लक्ष्य की ओर गुपचुप खेलते रहते जिसकी बाह्य स्तर पर हमें कभी पूर्ण सचेतनता नहीं हो पाती। सृष्टि सृजन अभिव्यक्ति में प्रकटे समस्त नश्वर द्रव्यों जो ठीक सृजन आरंभ के पूर्व सब कुछ शाश्वत ही थे उन्हें पुनः नश्वरता से शाश्वतता में रूपांतरित कर लेने का बीज भी इन्हीं दिव्यांश में पड़ा हुआ है। इसे धारण करके ये गुपचुप सोए रहकर सतत प्रयत्नशील बने रहकर
अगिनकाल से अगिनकाल तक प्रतीक्षारत्ता में दृढ़ संकल्पित बने रहते हैं। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्परे परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के दुरुपथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपथ पर हमारा नेतृत्व कराए। ऐसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।